अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पालक चिकन बहुत ही मज़े का बनता है। आज हम वो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने चिकन लिया है, उसके बाद मैंने सॉल्ट दिया है 1½ टीस्पून। आप अपने मर्ज़ी से देख लें, आप कितना लेते हैं। क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। रेड चिली फ्लेक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है सुरख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी 1 टीस्पून, ऑनियन प्याज मैंने लिए हैं 1½ टीस्पून, और टोमेटो 2 मैंने लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं। ये गरम मसाला मैंने होल गरम मसाला लिया है। ये हम जब हंडिया की बुनाई कर लेंगे, इसको दम पे रखेंगे, तब इसको चॉपर में पीस के फिर डालेंगे फ्रेश। ये मैंने लिए हैं मेथी लिया मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं, ग्रीन चिली मैंने 2 बिग ली हैं, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक की पेस्ट है यानी गार्लिक जिंजर पेस्ट मैंने 1 1 टेबल स्पून ली है। ऑयल 1/2 कप लेंगे, और स्पिनिच मैंने 4 उसके वो लिए हैं, बंच लिए हैं, स्मॉल थे, मीडियम साइज़ के थे, बिग नहीं थे, उनको मैंने वॉश करके कट कर लिए हैं। ये देखें, कट करके मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। अब हम इसको हंडिया में डाला हुआ है, तो अब ये देखिए पालक मैंने फ्रोज़न है मेरे पास, मैंने इसको हंडिया में डाल के रख दिया है। तो इसको मैं लो फ्लेम पे करूँगी ताकि ये हल्की आंच पे इसका पानी जो है इसमें से निकल जाए, और फिर इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, फिर मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। अभी इसका पानी थोड़ा सा हो जाए, इसके ऊपर मैं लिड रख देती हूँ ताकि ये सही हो जाए। तो इसी देखी में हम रखेंगे, ऑयल डालेंगे इसमें। ये देखें ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है, तो हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालेंगे। ये देखें ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे, और ऑनियन को लाइट ब्राउन करना है, आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। ये देखें व्हिपिंग क्रीम है, फुल फैट क्रीम है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये इसमें डलेगा 1/2 कप। ये देखिए लाइट ब्राउन हो रहा है, हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। हम चिकन को तकरीबन 5 से 10 मिनट्स भूनेंगे अच्छे से, इसकी भुनाई करेंगे। जब इसकी भुनाई करेंगे उससे पहले हम सॉल्ट इसमें डाल देंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे और इसमें यमी सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए पालक, पालक के अंदर मैं डालूंगी अब मेथी, ये देखें, और इसके अंदर डालेंगे हम ग्रीन चिली, इनको मिक्स करके तो हम इसको दम पे रहने देंगे। इसमें हमने वाटर नहीं ऐड करना, इसको इसके पानी में ही हमने कुक करना है, इसके पानी में ये गल जाएगी, तो हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें 5 मिनट्स हो गए मुझे इसकी भुनाई करते हैं। तो हम इसमें डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, टोमेटो, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, टमाटर डाले हैं, और साथ ही में हम इसमें ड्राई स्पाइसेस थे वो डाल देंगे, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वाटर डालेंगे, ये देखें अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, इसको 5 6 मिनट अच्छे से ये सारे मसालों के साथ भुनाई करके फिर इसमें आप पानी डाल दें, इतना पानी डालें कि ये अच्छे से कुक हो जाए। फिर कुक करने के बाद जो स्टेप करेंगे फिर मैं आपके सामने करूँगी। ये देखिए गरम मसाला, अब हम इसको पीस लेंगे। इसमें मैंने ये देखिए लिए ज़ीरा, क्यूमिन सीड, कोरिएंडर, धनिया, ब्लैक कार्डिमन 1, स्मॉल कार्डिमन 1, बड़ी छोटी 1 1 इलायची, छोटी सी सिनेमन स्टिक, और क्लोव्स इसमें 3 4 हैं, इनको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, पाउडर बना लूँगी, तो वो हम फिर बाद में जब दम पे रखेंगे उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए पालक, इसका पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया, अब इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। तो देखिए और इसकी हम बनाई कर लेंगे।
हम इसमें क्रीम क्यों ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने का ये होगा कि ये बहुत ही वो हो जाएगा मुलायम सा और बहुत क्रीमी सा हो जाएगा, तो बहुत मज़े का लगता है इसमें अगर क्रीम ऐड कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें डाला हुआ, फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता ज़्यादा ऑयल हो। तो इसकी मैं भुनाई कर लूँगी, फिर इसको हम निकाल लेंगे। देखिए चिकन गल गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला जो हमने पीसा हुआ था, उसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे पालक, पालक डाल के इसको मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट्स। इसके अंदर मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्चें, आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं ज़्यादा डाल लें। अब इसकी खूब अच्छे से भुनाई करें, फिर उसके बाद हम डिश में निकालते हैं इसको। ये देखिए बहुत ही मज़े का पालक चिकन रेडी है, आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।